सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मनीषा पंचाल, एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था किचन टिप्स में कि आपके पास धनिया नहीं है तो आप पालक की चटनी बना सकते हैं। आज मैं आपको पालक की चटनी बनाना सिखा रही हूँ। वैसे तो सर्दियों में अच्छे से धनिया आते हैं और हम उसकी चटनी बनाते हैं, लेकिन गर्मी में कभी कभार धनिया आसानी से नहीं मिलता। तो अगर घर में पालक है या पालक के चार पांच पत्ते हैं तो भी आपकी चटनी आसानी से बन जाएगी और खाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने पालक की चटनी बनाई है या धनिया की बनाई है। तो सबसे पहले हम उसकी सामग्री देख लेते हैं। ये है पालक के 6-7 पत्ते लिए, उसे डंडल के साथ लेना है। ये लहसुन की 5 से 6 कली है। ये गुड़ है 2 चम्मच और ये है लंबी 3 मिर्च जो मैंने काट के रखी है और ये मूंगफली के दाने हैं जिसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल के रखा है। अब ये मूंगफली के दाने को मैंने रोस्ट करके रखा है और इसमें 1.5 चम्मच जीरा डाला है। अब हम पहले अंदर डाल देंगे मिर्च। ये आप जितना तीखा खाते हो इसके हिसाब से 8 मिर्च डालिए। अब 2 चम्मच गुड़। अगर आप मीठा खाते हो चटनी तो आप गुड़ डालिए, अगर नहीं खाते तो आप मत डालिए, और गुड़ की बजाय आप चीनी भी डाल सकते हो। अब इसके बाद लहसुन डालते हैं। ये लहसुन 5-6 कड़ी ली है मैंने, आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा लीजिए। और ये है मूंगफली के दाने जो मैंने रोस्ट करके लिए, तो ये मूंगफली के दाने, इसमें जीरा मैंने डाल के रखा है। और ये अब इसमें मैं नींबू निचोड़ रही हूं क्योंकि नींबू की वजह से चटनी हमारी काली नहीं पड़ेगी। और इसके बाद ये डाल रही हूं मैं पालक के पत्ते। अब इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे ग्राइंड कर दूंगी क्योंकि पानी डालने से ग्राइंड अच्छे से होगा। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड कर देती हूं। देखिए मेरी चटनी, आप देख रहे हो पालक की चटनी कितनी अच्छे से कलर भी आ गया है और चटनी बन भी गई है। मैं इसे डिब्बे में निकाल रही हूँ। धनिये की बजाय आप ऐसे पालक की चटनी बना सकते हो। और हाँ, हम सूरत में जाए तो सूरत में हमें खमण के साथ या सूखी लोचे के साथ हमें ये पालक की ही चटनी मिलती है, और काफी शहरों में हमें धनिया की जगह पालक की चटनी मिलती है, लेकिन हम उसे धनिया समझ के खाते हैं। बाकी पालक की ही चटनी होती है और पालक की चटनी में उसके डंडल का अच्छे से यूज होता है, इसी वजह से हमारी चटनी में कलर भी अच्छा आता है। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा कलर भी आया है। सिर्फ 6-7 पत्ते में ही उसकी चटनी का कलर बहुत बढ़िया आया है। तो आपको ये पालक की चटनी ऐसी तरह बनाए और उसका आप स्वाद लीजिए। आपको घर में धनिया नहीं है तो आपको धनिया की बजाय पालक की चटनी बना सकते हैं। इसे पकोड़े के साथ, चिल्ले के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ, जहां आपको चटनी का यूज करना है इसके साथ आप खा सकते हो। अभी आपको चटनी बनाने के लिए धनिये की कोई जरूरत नहीं। और मैंने बोला कि काफी शहरों में आपको पालक की चटनी धनिये की जगह मिलती है, लेकिन हम खाते हैं तो हमें पता चलता नहीं है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे मैं अपनी नई नई रेसिपी
का वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले।